नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बैग बोतल लाने पर बैन। बिहार बोर्ड 12वीं के डमी एडमिट कार्ड जारी। श्रम से जुड़े बच्चों को मुक्त कराने के लिए अपनाया जाएगा ये तरीका। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर बिहार के राज्यपाल सीएम ने दी श्रद्धांजलि। सरदार पटेल की प्रतिमा का हुआ अनावरण। अफगानिस्तान की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा फेरबदल। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बैग बोतल लाने पर बैन। 2 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना के गांधी मैदान में नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है। वहीं अब इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा एक सामान्य दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत शिक्षकों को यह जानकारी दी गई है कि कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी अपने साथ सामग्री, बैग, खाने का सामान, पानी का बोतल आदि लेकर गांधी मैदान में नहीं आएंगे, क्योंकि गांधी मैदान में पानी, शौचालय और यूरिनल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान शिक्षक अपना मोबाइल को बंद या साइलेंट मोड पर रखेंगे और शिक्षकों को उन्हीं स्थानों पर बैठना होगा जो उनके लिए चिन्हित किया गया हो। कार्यक्रम के दौरान मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से फोटो या वीडियो नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम के बाद संबंधित तस्वीरें, वीडियो जिलों को अलग से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। महिला हेल्प डेस्क के खुलने के बाद महिलाओं में आया ये बदलाव। बिहार पुलिस के एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार के द्वारा पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी गई कि पहले थानों में महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण नहीं होने के चलते महिलाएं थानों तक नहीं पहुंच पाती थी और अपने साथ हो रहे अपराध को दबा लेती थीं। ऐसे में महिलाओं की इन परेशानियों को देखते हुए हर थाना में महिला डेस्क बनाया गया। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश भर में 850 थानों में महिला हेल्प डेस्क का गठन कर दिया गया है, जिस पर 475 महिला पुलिस पदाधिकारी और 1982 महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। एडीजी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मई तक 19,666 महिलाएं अपनी शिकायत लेकर आई हैं, वहीं अगस्त तक 47,116 महिलाएं अपनी समस्या लेकर आई। बीते 3 महीने में इनकी संख्या में 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। नेशनल गेम्स में बिहार के शशि भूषण ने जीता रजत पदक। बिहार के आरा के रहने वाले शशि भूषण के द्वारा गोवा में चल रहे 37वें नेशनल गेम्स के 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर राज्य का मान ऊंचा करने का काम किया गया है। बता दें कि इस बात की जानकारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन संकरण के द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि शशि भूषण के द्वारा 3 मिनट में 41.49 सेकंड के समय के साथ अपने नाम ये रजत पदक किया गया। मालूम हो कि नेशनल गेम्स 2023 में बिहार का यह दूसरा रजत पदक है। इससे पहले महिला रग्बी में रजत पदक अपने नाम किया गया था। वहीं शशि भूषण की इस उपलब्धि पर बिहार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय, अपर मुख्य सचिव हरजीत कौर बम्हड़ा, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन संकरण तथा निदेशक सह सचिव पंकज राज के द्वारा ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं दी गई हैं। बिहार बोर्ड 12वीं के डमी एडमिट कार्ड जारी। अगर आप भी उन छात्र छात्राओं में शामिल हैं जो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के अगले साल आयोजित होने वाली परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान कक्षा 12 में पंजीकृत छात्रों के लिए अगले साल आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए आवेदन डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ऐसे में अगर इस डमी एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसे 11 नवंबर 2023 तक सुधरवाया जा सकता है। बता दें कि डमी एडमिट कार्ड में हुई त्रुटि का सुधार करवाने के लिए छात्रों को अपने विद्यालय से संपर्क करना होगा। वहीं डमी एडमिट कार्ड भी विद्यालय के द्वारा ही अपलोड किया जाएगा। श्रम से जुड़े बच्चों को मुक्त कराने के लिए अपनाया जाएगा ये तरीका। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणि हिमांशु की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य के विभिन्न शहरों में चौक चौराहों पर रह रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए योजना बनाई जाएगी और साथ ही ईंट भट्टों और शादी समारोहों में कार्य करने वाले बच्चों को भी मुक्त किया जाएगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में बैठक के श्रमायुक्त रंजीता के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि श्रम से जुड़े बच्चों को मुक्त कराने के लिए जागरूकता अभियान और प्रचार प्रसार करने का फैसला लिया गया है। इस अभियान में जीविका दीदियों की सहभागिता पर भी जोर दिया जाएगा। बता दें कि इस बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा, विधायक रेखा पासवान, विधान पार्षद सौरभ कुमार, रविंद्र प्रसाद सिन्हा समेत यूनिसेफ पदाधिकारी मौजूद रहे। दिवाली छठ से पहले आसमान छू रहा फ्लाइट का किराया।
दीपावली और छठ की वजह से एक तरफ जहां ट्रेनों में यात्रियों को सीटें नहीं मिल रही तो वहीं दूसरी ओर फ्लाइट किराया भी आसमान छू रहा है। बता दें कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहर से बिहार की राजधानी पटना आने के लिए 25,000 रुपए तक फ्लाइट किराया चुकाना पड़ रहा। मालूम हो कि 10 नवंबर को नई दिल्ली से पटना आने के लिए स्पाइसजेट का किराया 11,773 से लेकर 13,873 रुपए तक है। वहीं एयर इंडिया का किराया 14,804 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं 11 नवंबर को नई दिल्ली से पटना आने के लिए फ्लाइट का किराया 11,773 से 12,771 रखा गया है। इसके अलावा 10 नवंबर को मुंबई से पटना आने के लिए फ्लाइट के हिसाब से किराया 17,994 से 23,737 रुपए है। वहीं बेंगलुरु से पटना आने के लिए 20,685 से 28,245 रुपए निर्धारित किया गया है। इसी तरह तारीख और फ्लाइट के हिसाब से पटना के लिए किराया अलग अलग है। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर बिहार के राज्यपाल सीएम ने दी श्रद्धांजलि। सरदार पटेल की प्रतिमा का हुआ अनावरण। आज यानी कि 31 अक्टूबर को आयरन लेडी के नाम से जानी जाने वाली देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। ऐसे में आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार की राजधानी पटना में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री अशोक चौधरी, विजय चौधरी समेत कई गणमान्य लोगों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इसके अलावा आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सरदार पटेल की 148वीं जयंती पर नालंदा में लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। मालूम हो कि इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को उनके दो सिख अंगरक्षकों ने ही उनकी हत्या कर दी थी। बिहार में डेंगू का कहर जारी। बिहार में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी होते ही जा रही। स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बता दें कि बीते दिन बिहार में डेंगू के कुल 158 नए मरीज मिले हैं, जिसमें से बिहार की राजधानी पटना से सर्वाधिक 52 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अब प्रदेश में डेंगू के कुल ज्ञात मामलों की संख्या 15,162 हो गई है। वहीं पटना में अब तक कुल डेंगू मरीजों की संख्या 6,197 हो गई है। मालूम हो कि प्रदेश में अक्टूबर महीने में डेंगू के अब तक 8,427 मरीज मिले हैं। बता दें कि डेंगू मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मरीज भर्ती हैं। मालूम हो कि सभी सरकारी अस्पतालों में जांच की सुविधा निःशुल्क है। बीपीएससी ने 20 शिक्षकों को डाला ब्लैक लिस्ट में। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पकड़े गए 20 अभ्यर्थियों को ब्लैक लिस्ट करते हुए 5 वर्षों तक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि आयोग की ओर से ब्लैक लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। वहीं इस संबंध में आयोग के सचिव रवि भूषण के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सूची को दूसरे आयोग को भी भेजने का प्रस्ताव है, ताकि ऐसे अभ्यर्थी को दूसरी परीक्षाओं में भी बैठने का मौका न दिया जाए। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार जिन 20 लोगों को ब्लैक लिस्ट किया गया है, उनमें से 10 लोग दूसरे अभ्यर्थी के बदले में परीक्षा में शामिल हुए थे। वहीं इसके अलावा 5 लोगों का आधार कार्ड मिसमैच के कारण व अन्य को गलत पहचान के कारण ब्लैकलिस्ट किया गया है। ट्रक में सीमेंट की बोरियों के नीचे से शराब बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन इससे जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से जी तोड़ कोशिश की जा रही। बता दें कि ताजा मामला बिहार के बांका का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा भलजोर चेक पोस्ट पर दुमका की तरफ से आ रही 6-चक्का ट्रक में सीमेंट के बोरियों के नीचे छिपी शराब की 286 पेटी बरामद की गई है। इसके साथ ही इस दौरान पुलिस के द्वारा 2 तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसकी पहचान टोनी पासवान और मोहम्मद इलाज अहमद के रूप में की गई है। बता दें कि पेटी में से कुल 6,624 बोतल शराब बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही। छठ को लेकर आनंद विहार टर्मिनल से चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे की ओर से 20 नवंबर से दिल्ली मुंबई सहित लंबी दूरी की ट्रेनों में स्लीपर से एसी कोच में लंबी आरक्षण सूची और यात्रियों की अपेक्षित भीड़ को देखते हुए छठ स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि छठ स्पेशल ट्रेन 27 नवंबर तक भागलपुर होकर मालदा टाउन और आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी। इसके साथ ही इस बार भी 04002 और 04001 आनंद विहार टर्मिनल भागलपुर, आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन, आनंद विहार टर्मिनल ट्रेन को चलाया जा सकता है। और इसके अलावा ट्रेन संख्या 09011 या 09012 मुंबई सेंट्रल मालदा टाउन सुपर फास्ट स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन भी चलाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि इस बार में रेलवे की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी गई है। प्रशांत किशोर ने पिछड़ों पर लालू को घेरा तो आग बबूला हुआ राजद। जन सुराज सूत्रधार प्रशांत किशोर के द्वारा बेनीपट्टी में लोगों को संबोधित करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर पिछड़ों को लेकर जमकर घेरा गया था। वहीं अब इस पर राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद के द्वारा कहा गया कि बिहार हर दिन आगे बढ़ रहा है, राज्य पर्यटन से लेकर हर चीज में आगे बढ़ जाएगा। इस बात से प्रशांत किशोर को परेशानी है। प्रशांत किशोर को राजनीतिक बयान देने का कोई हक नहीं है, वे पीआर एजेंसी चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की भाषा से पीआर एजेंसी का ही झलक दिखता है। बता दें कि प्रशांत किशोर के द्वारा कहा गया था कि बिहार में
बदलाव जरूरी है। राज्य में परिवार वालों ने राजनीति पर कब्जा जमा लिया है। इस वक्त जो व्यवस्था है उससे बिहार का भला नहीं हो सकता। पीके ने बिहार में भ्रष्टाचार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में इन दिनों जो भी योजनाएं चल रही हैं उनमें भ्रष्टाचार चरम पर है। जेडीयू सांसद रात में पहुंच गए अस्पताल, खुली पोल। बीती रात जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार अचानक से बिहार शरीफ सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान कुछ मरीजों और मरीजों के परिवार वालों के द्वारा सांसद से शिकायत भी की गई। इस दौरान सांसद के द्वारा कहा गया कि सरकार की ओर से जो व्यवस्था की गई है वह काफी है, लेकिन अब भी कुछ कमी है। उन्होंने कहा कि जहां पर पोस्टमार्टम होता है वहां पर 2-3 दिन से लाइट खराब है। इसके अलावा थोड़ी बहुत साफ सफाई की कमी है जिसे ठीक करने की जरूरत है। वहीं अस्पताल में बंद पड़े लिफ्ट को लेकर जेडीयू सांसद के द्वारा कहा गया कि जल्दी से इसे ठीक करवाकर दोबारा से चालू करवाया जाए। चिराग पासवान को अमित शाह और जेपी नड्डा का आया फोन। आज लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में आज उन्हें जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा भी चिराग पासवान को सुबह सुबह कॉल कर जन्मदिन की बधाई दी गई है। बता दें कि इस बात की जानकारी खुद चिराग पासवान के द्वारा दी गई है। मालूम हो कि चिराग पासवान के जन्मदिन पर उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े ही धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा। वहीं चिराग पासवान के द्वारा भी केक काटकर अपने समर्थकों के साथ जन्मदिन की खुशियां बांटी गई। लोजपा रामविलास के नेताओं के द्वारा होर्डिंग और बैनर लगाकर चिराग पासवान को जन्मदिन की बधाई दी गई। अफगानिस्तान की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा फेरबदल। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान की टीम के द्वारा श्रीलंका की टीम को 7 विकेट से हरा दिया गया। वहीं अब अफगानिस्तान के जीतने के बाद विश्व कप 2023 के पॉइंट्स टेबल में कई बड़े फेरबदल हुए हैं, जिसके तहत अब अफगानिस्तान श्रीलंका को हराने के बाद पॉइंट्स टेबल पर 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। तो वहीं श्रीलंका अब 6ठे पायदान पर पहुंच चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान अब पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर आ गई है। वहीं इंग्लैंड इस पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे यानी कि 10वें पायदान पर है, जबकि 9वें स्थान पर बांग्लादेश और 8वें स्थान पर नीदरलैंड्स है। वहीं इस पॉइंट्स टेबल पर भारत अपने सभी मैच को जीतते हुए पहले स्थान पर है, जबकि 2रे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका और 3रे स्थान पर न्यूजीलैंड और 4थे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। बीते दिन हमारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, मनीष कुमार पटेल, गुड़िया कुमारी मौर्य, गुनर शर्मा, मोहम्मद फहीम, मुकुंदन कुमार, प्रदीप कुमार, रविशंकर कुमार, मंटू कुमार, समीर कुमार, कुमुद कुमार, रमन कुमार, मदन कुमार, मोहित, मोहम्मद अफजल मंसूरी, सदुल्लाह पलवी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार श्रम से जुड़े बच्चों को मुक्त कराने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार डी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।